हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम असेसमेंट टेक्निक्स को देखते हुए पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिपोर्ट्स और इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। असेसमेंट में अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करता है। उसमें अब न्यू ट्रेंड्स आए हैं जैसे कि सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। नॉर्मली वी ट्रेडिशनली फॉलो द टीचर असेसमेंट। यहाँ पर टीचर क्या करता है कि वो जांचता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या हुई है, कितनी हुई है, किस तरह से इसको चेक करना है, ये चीज़ें जज करता है, एवेल्यूएट करता है, फिर स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग देता है। लेकिन लर्निंग अगर अच्छी हो रही हो तो स्टूडेंट्स भी असेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं। इसीलिए सेल्फ असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड पीयर असेसमेंट, ये न्यू ट्रेंड्स आजकल एजुकेशन में ऐड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीयर अप्रेजल को, मींस पीयर असेसमेंट। पीयर वर्ड है अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम एज ग्रुप अ सोशल ग्रुप एज समवन एल्स। पीयर जैसे कि आपके क्लास फेलोज हैं, हम जोलियाँ हैं, जो आपके सेम एज और ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको हम पीयर बोलते हैं। एंड अप्रेजल, अप्रेजल इज़ एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन। किसी भी चीज़ को असेस करना या किसी इंडिविजुअल के एक्ट को असेस करना, ये वो एक्ट होता है जिसमें दूसरा पर्सन आपकी लर्निंग को असेस कर रहा होता है। पीयर असेसमेंट में क्लास में एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट उसी की क्लास का जो होता है उस अपने क्लास फेलो की लर्निंग को असेस करता है। पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसिंग द वर्क ऑफ देयर पीयर अगेंस्ट सेट असेसमेंट क्राइटेरिया। किसी एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट या इसको मद्देनज़र रखते हुए एक स्टूडेंट अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अता करता है, अपने अदर क्लास फेलो की लर्निंग को असेस करता है। इस असेसमेंट को विकिपीडिया इस तरह से डिफाइन करता है, पीयर असेसमेंट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर लर्नर्स टू कंसीडर एंड स्पेसिफाई द लेवल, वैल्यू और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर इक्वल स्टेटस लर्नर्स। मतलब कि आप अपने ही स्टेटस के क्लास फेलोज या अपने ही एज लेवल या क्लास लेवल के हिसाब से स्टूडेंट्स की क्लासरूम्स में इस तरह से अरेंजमेंट, मतलब इसमें क्लासरूम को इस तरह से अरेंजमेंट किया होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स को जो कि उनके सेम स्टेटस के होंगे, मतलब एक ही लेवल के होंगे, और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लर्निंग की वैल्यू क्वालिटी और उनको असेस करेंगे, उनकी क्वालिटी को असेस करेंगे। इस असेसमेंट का पर्पज़ ये होता है कि इट प्रोवाइड फीडबैक, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है लेकिन दूसरे स्टूडेंट से, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की क्वालिटी को, उसकी लर्निंग को असेस करने के बाद उसको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक बताता है, उसकी लर्निंग कैसी हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस असेसमेंट में अपनी और अपने क्लास फेलोज की लर्निंग का कंपेरिजन कर सकते हैं। दिस असेसमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पीयर असेसमेंट हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीयर असेसमेंट इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स टू इनकरेज स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी। पीयर असेसमेंट में जब एक दूसरे की क्लास फेलोज की या अपने हम जो एज हैं या हम स्टेटस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या पर्सन होते हैं, आप उनकी असेसमेंट करते हैं, उनके बारे में उनकी एवेल्यूशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी इम्प्रूव होती है। अब हम देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी असेसमेंट टेक्निक में से एक है। एनेक्डोटल ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स अनपब्लिश्ड, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीक्रेट स्टोरी या प्राइवेट स्टोरी, आप इसको बोल सकते हैं स्टोरी, या फिर कोई इंसिडेंट अबाउट स्टूडेंट्स। आर लुइस बोलते हैं एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ अ रिपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अ स्टूडेंट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्टूडेंट की लाइफ में एक स्टोरी या कोई इंसिडेंट भी होता है जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं।
An anecdotal record consists of an objective description of पीपल behavior in a particular environment setting. Anecdotal record वो रिकॉर्ड होता है जिसमें टीचर्स बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है, जिसमें उसका एटीट्यूड, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, स्टूडेंट्स की स्किल्स, ये सब चीज़ें आती हैं. और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है जिसमें स्टूडेंट्स की इंसिडेंट्स, स्टूडेंट्स की लाइफ में या उसकी एकेडमिक प्रोसेस के दौरान जो इंसिडेंट्स या कोई वाक्या या कोई स्टोरी होती है जो स्टूडेंट के अबाउट, उसको डिस्क्राइब किया जाता है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज एन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ रिटन, जो कि लिखी जाती है लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, एक स्टोरी की तरह, एक इंसिडेंट की तरह. दे आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू अ पर्सन ऑब्जर्विंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. जब भी कोई इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट स्टूडेंट की लाइफ में होता है तो उसको एज इट इज़ एंड एक्यूरेट तरीके से इसको जो है वो नोट किया जाता है. इसके लिए एक फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड फॉर्म. ऑब्जर्वर अपना नाम लिखता है कि किसने इसको ऑब्जर्व किया, बच्चे के इंसिडेंट को या उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, या कोई जो भी स्पेसिफिक जो उसकी स्टोरी है या स्टूडेंट से अबाउट जो इंफॉर्मेशन है, जो बंदे ने उसको ऑब्जर्व किया वो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखेगा. ऑब्जर्वेशन डेट और एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम क्या था, क्या डेट थी, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की लाइफ में जो जिस स्टूडेंट का जो बारे में से इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका नाम लिखा जाएगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट के हवाले से इसमें तमाम इंफॉर्मेशन पुट की जाएगी जो भी इंसिडेंट होता है, और लोकेशन सेटिंग को नोट किया जाता है, और एट द एंड यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर किया जाएंगे. तो एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग फॉर्म में इसको तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड. इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड कंटेन अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द बिहेवियर अकर्ड, कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वाक्या पेश हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या बिहेवियर्स थे, ये वो चीज़ें हैं जो इसमें नोट की जाती हैं. तो करैक्टरिस्टिक्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिंपल रिपोर्ट होती है स्टूडेंट के बिहेवियर की, और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है स्टूडेंट की. ये बिल्कुल एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है क्योंकि ये बच्चे की टाइम टू टाइम रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए ये एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक है. ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके अलावा टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर देयर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ टीचिंग, अपनी टीचिंग के हवाले से. ये रिपोर्ट्स जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं फ्यूचर पर प्लानिंग के हवाले से. ये एक्यूरेट हैं, सिंपल रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें तमाम वाक्या एक्यूरेट लिखा जाता है और एज इट इज़ लिखा जाता है. नाउ अब हम बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट्स की. सेल्फ रिपोर्ट में एक बात ध्यान में रखी जाए कि जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे जैसे स्टूडेंट्स को हम एज हियर इट इज़ रिटन, ऑल यंग पीपल शुड बी एजुकेटेड इन वेज दैट डिवेलप देयर कैपेबिलिटी टू असेस देयर ओन लर्निंग. मतलब सेल्फ रिपोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट्स खुद तैयार करता है, खुद को असेस करना. इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एवेल्यूएटिंग देयर ओन वर्क एंड लर्निंग प्रोग्रेस. स्टूडेंट्स अपनी काम को खुद से एवेल्यूएट करते हैं, अपनी लर्निंग को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं. दे आइडेंटिफाई देयर ओन स्किल्स गैप्स एंड वेयर देयर ओन नॉलेज इज़ वीक. स्टूडेंट्स सेल्फ रिपोर्ट्स खुद तैयार करते हैं. अगर हम स्टूडेंट्स में इनकी खुद की एबिलिटी डिवेलप करें कि खुद की लर्निंग को जाँचने की, असेस करने की, तो क्या होगा कि दे विल बी मोटिवेटेड टू असेस, interpret and use information to quality and quality of assessment. तो उनको खुद को motivation मिलेगी. अगर students अपनी learning को खुद देखते हैं तो उनको motivation होगी, वो confidence मिलेगा खुद की learning को assess करने का. इस वजह से self assessment बहुत important होती है. self assessment जो है is a formative assessment. दैट असेसमेंट क्या है कि इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. ये समेटिव नहीं है क्योंकि समेटिव हम साल के एंड में स्टूडेंट्स को जज करते हैं, ये साल में एक बार या दो बार होती है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो लर्निंग के शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है.
तो ड्यूरेशन में जो भी लर्निंग हो रही होती है ऑन द होल ड्यूरेशन, स्टूडेंट असेस कर स्टूडेंट्स को टीचर्स भी असेस करते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स खुद को खुद भी असेस करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ही होती है। सेल्फ असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट देयर ओन वर्क, वो अपने काम को देखते हैं। जस्ट द डिग्री टू विच इट रिफ्लेक्ट स्टेटेड गोल्स एंड क्राइटेरिया एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। तो सेल्फ असेसमेंट को अगर अगर हम पर्पस की बात करें तो इसका जो पर्पस है वो है कि सेल्फ जजमेंटल एबिलिटी टू डेवलप द सेल्फ जजमेंटल एबिलिटी इन टू द स्टूडेंट्स। तो ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो आप घर पर भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। तो ये ओन लर्निंग को आप इसमें देखते हैं, स्टूडेंट्स खुद की गैप्स को देखते हैं, अपनी डेफिशेंसीज को देखते हैं और अपनी नीड्स को देखते हैं और इसमें अपनी रिपोर्ट्स को खुद से तैयार करते हैं। अ सेल्फ रिपोर्ट इज़ एनी मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है विच इन्वॉल्व्स आस्किंग अ पार्टिसिपेशन अबाउट देयर फीलिंग्स, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसमें अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड्स को, तमाम चीज़ों को इसमें नोट करते हैं और अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।